नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपके लिए एक टैली का एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर आप टैली सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपके मन में, आज आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या सीखना है। ठीक है, तो टैली का जो एक वीडियो मैं बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ कि क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कोई टैली आप कहीं सीख लेते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से देख कोई सीखता है, कोई होता है ऑनलाइन सीख लेता है सीखता है, तो उसके लिए क्या होता है कि वो सोचता है कि काम पे वर्क जाएंगे तो क्या करेंगे वहाँ करके, तो है ना। तो उसी के बारे में आज का ये जो टॉपिक है उसी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको देखना है कि कैसे काम करना है, क्या करना होता है, क्या क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप वर्क करने पे जाते हैं, तो जो पहला दिन आपका होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, अगर आप उसमें सक्सेस हो गए, सफल हो गए, तो आपका जो बाकी के दिन है, जो बाकी का काम करने का वो है, वो ही तरीका ही एकदम से चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए कि मैंने टैली ओपन कर लिया है। यहाँ पास कोई कंपनी क्रिएट नहीं है। ठीक है, क्या होता है कि जब आप कहीं पे वर्क करने जाते हैं, कहीं जाएंगे, तो या हो सकता है कि वहाँ पहले से काम चलता रहता है, तो आपको उसी कंपनी आपको तो आपको नई कंपनी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको उसी कंपनी में ही वर्क करना पड़ेगा। और कुछ जगह ऐसा होता है कि कहीं ऑफिस नए नए खुले होते हैं, तो वहाँ आपको कंपनी बनाना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पास मैं क्रिएट कंपनी में जाऊँगा और यहाँ पास मैं एक कंपनी बना लेता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर्स, और आपको यहाँ पास ध्यान देना होगा कि आपको जो भी कंपनी, आप जहाँ भी काम करने पे जाते हैं जाएंगे, तो वो उसी नाम के ही कंपनी बनाना है जिस नाम से वहाँ पास वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, GST नंबर रजिस्टर्ड है, आपको उसी नाम का ही कंपनी यहाँ पास क्रिएट करना है। ठीक है, और उसका एड्रेस जो भी है, उसका एड्रेस है वो आप वहाँ पास डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पास आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्री आपका इंडिया। तो दोस्तों, आपको यहाँ पास बड़े ही सावधानी से आपको हर एक जानकारी को आपको यहाँ पास फिल करना होगा। इससे अगर आप फिल नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन छूट जाएंगे। ठीक है, तो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, आपके जहाँ की कंपनी है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ का स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ का पिन नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, बिलासपुर है, तो मैं यहाँ का पिन नंबर डाल रहा हूँ अपना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास कंपनी का फ़ोन नंबर है, तो आप उसका कंपनी का फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं अगर है, तो नहीं है तो छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर है कंपनी का, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, अगर फैक्स नंबर है कंपनी का, तो यहाँ पर आपको फैक्स नंबर भी डालना पड़ेगा। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पास नहीं डाल रहा हूँ। ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी आपको कंपनी की डालनी पड़ेगी, है ना। तो दोस्तों, ये सारी चीज जानकारी क्या है, बहुत ही सावधानी से आपको डालनी होगी। जैसे कि वेबसाइट है कंपनी की, तो आप वेबसाइट भी डाल सकते हैं। मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ, जैसे मैं एक मेरी कंपनी है एक, मैं उसको ला ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक जानकारी को, हर एक बॉक्स को बड़े सावधानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से फिल करना होगा, है ना। आपको कोई गलती नहीं करनी। अगर आप कोई गलती करते हैं, तो देखिए आपका इम्प्रेशन क्या होता है, उसी समय ही खराब चला जाता है, और जो सामने वाला आपको चेक करेगा, तो वो मतलब आपके उसमें मतलब उसमें भरोसा नहीं रह जाएगा। इसलिए हर जब भी आप कंपनी क्रिएट करें, नई कंपनी बनाएं, है
अगर वो आप कंपनी बनाने के लिए बोलता है, कंपनी क्रिएट करने के लिए, तो आप उसकी हर एक चीज़ की जानकारी पहले से ले लें या उससे जानकारी मांग लें, उसके बाद यहाँ पास आप फिल कर दें, ठीक है। अगर आप इस यहाँ पास देखें दोस्तों, जैसे यहाँ पास फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग फॉर्म। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि जैसे कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 2020 का है, 2020-21 का है कि 21-22 का है कि 19-20 का है, जो भी है, तो मैं यहाँ पास फाइनेंशियल ईयर 2020 का है तो मैं 2020 ही डालूंगा। और यहाँ पास होता है दोस्तों बुक्स बिगनिंग फॉर्म। बुक्स बिगनिंग फॉर्म में क्या होता है कि आपका जो डेट है, जैसे कि आप 1/4/2020 का है, तो आप जैसे कि जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो, आप अगस्त से भी, 1 अगस्त से या 10 अगस्त से कर सकते हैं, या 20 जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन, तो आप जिस डेट से तुम्हारा आपका स्टार्ट हो रहा है कंपनी, उस डेट में आप यहाँ पास डाल सकते हैं बुक बिगनिंग फॉर्म, ठीक है। मैं यहाँ पास चेंज नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पास है टैली वैलिड पासवर्ड इफ एनी। अगर आप यहाँ पास कोई पासवर्ड डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पास पासवर्ड डाल सकते हैं, है ना। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डाल सकते हैं, मगर आप पासवर्ड आप डाल दीजिएगा, क्योंकि क्योंकि अगर आप उसको हैंडल करेंगे तो आप ही को हैंडल करना है, तो यहाँ पास वो अदरवाइज दूसरा कोई व्यक्ति उसको ओपन ना कर सके, ठीक। इसलिए आप यहाँ पास पासवर्ड डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पास पासवर्ड नहीं डाला हूँ। और आपको यहाँ पास यूज सिक्योरिटी कंट्रोल यहाँ भी आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास देखिए दोस्तों, ये तो इसमें आपको चेंजेस करने की आवश्यकता कुछ नहीं है। यहाँ पास आपको एज इट इज रहेगा, उसके बाद यहाँ पास एक्सेप्ट करा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पास देखिए, कंपनी मैंने आपको क्रिएट करके बता दिया कि कैसे क्रिएट करना है, और आपको बड़े ही सावधानी तरीके से क्रिएट करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप कंपनी क्रिएट कर लिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पास फीचर्स में जाना है, ठीक है। फीचर्स में जाना है मतलब ये F11 फीचर्स यहाँ पास दिख रहा है, हाँ, यहाँ पास ये F11 फीचर यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, या यहाँ पास से कीबोर्ड से F11 फीचर्स प्रेस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास स्टेचरी एंड टैक्सेशन में आपको जाना है, और यहाँ पास कंपनी का GST नंबर उसको एनेबल करना है, ठीक है। सबसे पहली बात कंपनी क्रिएट करने के बाद, अगर कंपनी क्रिएट है तो आपको GST नंबर वहां से मांग के अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तो भी आपको करना, अगर आप पहली बार कंपनी बनाते हैं तो भी, अगर नहीं बनाते हैं तो भी आपको यहाँ पास GST अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पास मैं सबसे पहले GST को यस कर लेता हूँ, और यहाँ पास GST सेट अलर्ट GST डिटेल इसके भी यस कर देता हूँ। अब यहाँ पास दोस्तों आपको अब स्टेट अपडेट करना है, कौन से स्टेट का है रेगुलर, है ना, ये आपको कंपनी से पता चलेगा कि रेगुलर है, ठीक है, कि नहीं है। इसके बाद आप यहाँ सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पास आपका जो है GST एप्लीकेबल फॉर्म, जो भी आपका GST है, कब कब से एप्लीकेबल फॉर्म, कब से एप्लीकेबल है, उसकी डेट आपको यहाँ पास डालनी है ना। तो ये आपको ये कंपनी के से पता चलेगा आपको, जैसे कि यहाँ मैं से 1 अप्रैल 2020 से है मेरा, तो मैं 1 अप्रैल 2020, और यहाँ पास आपको GST नंबर डालना है, कंपनी का GST नंबर, ठीक है। याद रखना, जब भी आप काम करेंगे तो सबसे पहले आप GST नंबर को यहाँ पास अपडेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ, छत्तीसगढ़ 22, मैं ऐसी एज इट इज डाल रहा हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पास मंथली है आपको जो कि क्वार्टली, आप GST जो वन जो है आपको क्या मंथली पटाना है कि क्वार्टली पटाना है, वो आपको यहाँ पास कंपनी से पता चलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और एप्लीकेशन एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास इनवॉइस वैल्यू बोल रहा है, टैक्सेशन वैल्यू एंड गुड्स, टैक्सेशन गुड्स वैल्यू क्या है आपको यहाँ पास आपको सेलेक्ट करना है, तो इनवॉइस वैल्यू ही सिलेक्ट कर लीजिए अब यहाँ पास। और यहाँ पास है लिमिट, लिमिट बोल रहा है तो कितना है, 50,000, या मतलब जो भी है कितना लिमिट है उसका, वो आपको कंपनी से पता चलेगा, उसको यहाँ पास एनेबल करेंगे आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पास कुछ नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको यस कर लेता हूँ। तो इतनी मतलब इतना आपको GST जब यस करेंगे तो आपको इस छोटी से छोटी जानकारी आपको यस करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पास है,
यहाँ पर से अगर टीडीएस है किसी प्रकार का, आपको टीडीएस भी पटाना है तो आपको जब टीडीएस के ट्रांजेक्शन होंगे तब आप यहाँ पर टीडीएस आपको यस करना पड़ेगा। तो अभी आप यहाँ पर टीडीएस यस नहीं करेंगे, अदरवाइज केवल जीएसटी ही मेन रहता है। उसके बाद यहाँ पास है जैसे कंपनी का पैन नंबर है या इनकम टैक्स नंबर है, जो भी है नंबर है आपको यहाँ पास डालना है। अगर है उनके पास तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पास कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर CIN नंबर, यह होता है जैसे कि कोई अगर ऑफिस या शॉप है वो, अगर उसका एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है तो उसको यहाँ पास आपको डालना पड़ेगा। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए, सेव, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पास जैसे ही हमारा क्या GST कंप्लीट हुआ फर्स्ट सेकंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में फिर से हम फीचर्स में ही जाएंगे और यहाँ पास सेकंड ऑप्शन है इन्वेंटरी फीचर्स, ठीक है। इन्वेंटरी फीचर्स में आपको जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पास देखिए लोकेशन, सबसे पहले क्या होता है कि हम कंपनी चेक करते हैं कि कंपनी हमारी कहाँ की है और कंपनी क्या चीज़ का व्यवसाय कर रही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारी कंपनी है कंप्यूटर की व्यवसाय कर रही है, ठीक है। उसके गोडाउन बहुत सारे हैं, है ना, बिलासपुर में ही है बहुत सारे गोडाउन हैं, अलग अलग जगह पे गोडाउन है, एक जगह दो जगह, रायपुर है बिलासपुर है, ये मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, मैं अपने स्टेट के ले रहा हूँ, ठीक है। रायपुर बिलासपुर आप जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ का गोडाउन आपको बताएंगे कि आपके यहाँ जहाँ हमारा एक एक गोडाउन यहाँ है, एक गोडाउन वहाँ है। अगर एक से ज़्यादा गोडाउन है तो आप यहाँ पास गोडाउन यानी कि लोकेशन उसको यस कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास मैं इसे यस कर देता हूँ और बाकी बाकी आपको यहाँ पास कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज जब आप ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको यहाँ पास यस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पास एक्सेप्ट कर लीजिए, जी हाँ। जैसे ही यहाँ पास यस करते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले आपको इन्वेंट्री इन्फो में चले जाना है। इन्वेंट्री इन्फो में जैसे जाएंगे जैसे, और यहाँ पास देखिए लोकेशन दिया, जैसे कि मैंने वहाँ पास गोडाउन को यस किया, यानी कि सॉरी लोकेशन था वहाँ पास, लोकेशन गोडाउन एक होता है। क्या होता है कभी किसी किसी सॉफ्टवेयर में लोकेशन दिया होता है, किसी सॉफ्टवेयर में गोडाउन दिया रहता है, जो दोनों का एक ही मतलब होता है, उसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं लोकेशन दिया रहेगा, कहीं गोडाउन दिया होगा, ठीक है। तो इसमें आपको चले जाना है और यहाँ पास क्रिएट कर लेना है। तो आपको जो जितने भी गोडाउन है, जैसे कि मैं एक बिलासपुर में ही है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बिलासपुर, जैसे कि सरकंडा में है एक ठंडा, ठीक है। ये गोडाउन सरकंडा में है। अभी क्या प्राइमरी लोकेशन में है कि मेन लोकेशन में है, जो भी आपकी लोकेशन में है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेन लोकेशन नहीं है मेरा ये, तो मैं इसको एक्सेप्ट। अब दूसरा है मेरा बिलासपुर में ही है, बिलासपुर, और ये भी कि क्या है मेन लोकेशन में नहीं है, प्राइमरी लोकेशन में है, तो आप इसको यहाँ पास सॉरी बिलासपुर में, इसका एड्रेस नहीं डाला हूँ मैं, बिलासपुर में, जैसे कि यहाँ पर से ये अशोक विहार में, ठीक है, ये इस टाइप का। और जैसे एक और है ट्रांजेक्शन, एक और ले लेते हैं जैसे कि बिलासपुर में कॉल ले लेते हैं, चलिए बिलासपुर मैं डाल देता हूँ इसमें गांधी चौक डाल देता हूँ। तो इस टाइप के आपके यहाँ पास लोकेशन आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले से आप बना लीजिए। लोकेशन बनाने के बाद आपको यहाँ पास जो भी है आपके ट्रांजेक्शन्स हैं आप उसको वहाँ पास ट्रांजेक्शन की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि मेन क्या होता है कि जब भी आप वर्क करने जाते हैं तो आपको फीचर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि कौन से फीचर्स कब एंट्री होगा, कब कौन से फीचर्स कब एंट्री नहीं होगा और कब करना है, कब
इसके बारे में आपको जानकारी, यानी कि टोटली एक प्रकार से कहा जाए कि आपको फीचर्स के बारे में, हर एक फीचर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर से एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पास परचेस करता हूँ, परचेस का है F9। अब दोस्तों यहाँ पास क्या होता है कि बहुत जगह क्या होता है कि सामान का आइटम नहीं दिखाता है। अब यहाँ पास क्या है, ये इन्वेंट्री मोड पे है, ठीक है, इन्वेंट्री मोड पे हमारे यहाँ जो ओपन हुआ है इन्वेंट्री मोड पे। तो दोस्तों क्या होता है, जिनको फीचर्स नहीं पता होता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे करें, ठीक है। हमें यहाँ पास DR और CR नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि यहाँ पास दोस्तों DR CR नहीं दिखता है, तो आपको यहाँ पास देखिए यहाँ पास एज वाउचर दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका शॉर्टकट की है Ctrl V, या फिर आप इसको क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पास इसको क्लिक किया तो दोस्तों देखिए यहाँ पास DR CR दिख जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि यहाँ पास CR DR दिया है, हमको इन्वेंट्री में सामान की एंट्री करनी है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामान की एंट्री कैसे करेंगे, इसमें तो DR CR दिख रहा है, सामान के लिए जगह नहीं है, है ना। तो इसलिए यहाँ पास भी आपको फिर से आपको यहीं पास आना है एस इनवॉइस, ये देखिए यहाँ पास दिया हुआ है एस इनवॉइस चेंज हो गया। फिर से आपको यहाँ पास Ctrl V ही प्रेस करना है, तो ये देखिए आप यहाँ पास वाउचर मोड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पास सेल्स का भी सेम टू सेम है, है ना। तो और इसके अलावा यहाँ पास जैसे कि हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट में हमें यहाँ पास सिंगल मोड और डबल मोड में हमको भी एंट्री करनी होती है इसमें भी। तो इसका भी एक शॉर्टकट की है, यहाँ पास जैसे कि F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पास देखिए दोस्तों कि एक सेकेंड ऑप्शन है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट काउंटर वाउचर, ठीक है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे, चलिए करके मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज होते हैं। और यहाँ पास देखिए, तो यहाँ पास आपको ना DR दिख रहा है ना CR दिख रहा है, केवल अकाउंट बस दिख रहा है, ठीक है। जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका यहाँ पास आप अकाउंट बनाएंगे और आपको यहाँ पास कुछ नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पास उसका लेज़र, जैसे कैश करना चाहते हैं कैश करना है तो कैश, और जो भी करना है, और यहाँ पास उसका अकाउंट बनाना है और यहाँ पास अमाउंट डालना है, उसके बाद एक्सेप्ट सेव। तो इस तरीके से दोस्तों की छोटी छोटी जानकारी इसमें आपको होनी चाहिए फीचर्स के बारे में। और जैसे कि क्या होता है कि हमको DR CR में एंट्री नहीं आता है, हम DR CR नहीं जाते, चलिए मैं इसको सुधार लेता हूँ। यहाँ पास फिर से मैं जाके यहाँ पास F12 प्रेस किया, इसको नो कर देता हूँ और इसको यहाँ पास यस कर देता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिक DR CR में आ चुका है। तो जैसे क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि यहाँ पास देखिए DD दिख गए, तो बहुत लोग क्या होते हैं कि उसमें कंफ्यूज जाते हैं कि DD आ गया, यहाँ पास CR नहीं दिख रहा है, हमको DR दिख रहा है। जो पहला ऑप्शन है वो DR ही रहेगा। तो आप यहाँ पास जो भी है तो आप बना लीजिए पहले, है ना, सॉरी Alt+C प्रेस करके आप जो भी लेजर, जैसे मैं बना लेता हूँ पेमेंट का है, तो यहाँ पास सैलरी, ठीक है, यहाँ पास जो भी अमाउंट आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पास देखिए फिर से DR आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पास फिर से आपको DR दिख रहा है। तो आप यहाँ पास क्या कर दीजिए, C प्रेस कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पास CR हो जाएगा और इंटर कर दीजिए, देखिए CR आ गया ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पास कन्फ्यूज नहीं होना है, छोटी छोटी आप, मगर आपको यहाँ पास प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पास नॉलेज मिलता जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्केप कर देता हूँ। उसके बाद एक और मैं इसमें बताता हूँ, F12 में जैसे कि क्या होता है कि हमको DR CR में एंट्री नहीं आता है, हमको 2 और Y में एंट्री करना है। तो यहाँ पास देखिए कि यस है, तो इसे आप यहाँ पास नो कर देंगे। जैसे ही नो करेंगे और यहाँ पास नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पास DR और CR की जगह पे Y और 2 आ जाता है, ठीक है। DR जो होता है Y होता है और 2 जो होता है CR होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पास कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है।
ये छोटी छोटी जानकारी है, आप इसमें इसको आपको सबसे पहले क्या हो नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, अगर आप कहीं भी जॉब जॉब करने जा रहे हैं, और प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट, बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए आपकी, है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप यहाँ पास हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको फिर से यहाँ पास डी एस सी आर को यस यस करना है तो यहाँ पास यस कर दीजिए और बाहर आ जाइए। थैंक यू।